अगर आप भी चाहते हैं कि आपके घर में माँ लक्ष्मी का वास हमेशा रहे, कभी भी धन धान्य की कमी ना हो, आपकी तिजोरी हमेशा पैसों से भरी रहे, आपके जीवन में कभी कोई कमी ना हो, कोई दुख ना आए, हमेशा सुख बना रहे, इसके लिए आज मकर संक्रांति के दिन आपको कौन से महा उपाय करने जरूरी हैं, आइए जल्दी से पंडित जी से जान लेते हैं। पंडित जी बताएं। देखो विनेश, लक्ष्मी जिसके ऊपर आएंगी उसके अंदर पात्रता तो होनी चाहिए ना, वो पात्र तो होना चाहिए ना। जैसे वृंदावन में एक बड़े संत हैं प्रेमानंद जी महाराज, वो अपने प्रवचन में कहते हैं, छलनी में गैया दुहे दोष दयु को दे। इसका मतलब है जो छलनी होती है जिससे आटा चाला जाता है, उसमें अगर आप गाय दूह रहे हैं और भगवान को दोष दे रहे हैं, दूध तो सब नीचे गिरा जा रहा है, दूध तो आपको मिलेगा नहीं, एक बूंद सब नीचे गिर रहा है, तो और भगवान को आप दोष दे रहे हैं कि भगवान हमारी किस्मत खराब किया है। तो कहने का मतलब, अगर आपके अंदर पात्रता नहीं है तो लक्ष्मी आपके ऊपर आएंगी कैसे। पात्रता का पहले अपने अंदर निर्माण कीजिए, और पात्रता का निर्माण करने का मतलब है मांसाहार, मदिरा सेवन, जुआ, व्यभिचार, चोरी, ये पांच दुर्गुण अपने शरीर से बाहर निकाल दीजिए, और पूरे परिवार के प्रति ममता और पवित्रता का विचार रखिए। आज मकर संक्रांति के दिन उत्तर दिशा की ओर मुंह करके स्नान करिए, तांबे के बर्तन में जल भरकर सूर्य को 3 बार में अर्घ दीजिए, पीतल के 7 सिक्के रेशमी कपड़े में बांधकर पूजा स्थान में रख लीजिए, चांदी की डिब्बी में थोड़ी सी शहद भरकर अपने तिजोरी में रख लीजिए, सफ़ेद चंदन में शहद मिला करके अपने माथे पर तिलक कर लीजिए, मंदिर में केले के पेड़ में मिश्री और केला मिश्री और हल्दी ये दान करिए, अपार धन लाभ होगा और हर बाधा भी दूर होगी, मकान बनेगा और संपत्ति का पूरा सुख मिलेगा। इसके लिए आपको मकर संक्रांति पर मक्का और गेहूं मिश्रित आटे की रोटी बनाकर गाय को खिलाना चाहिए। ये छोटे छोटे उपाय जरूर हैं, लेकिन निश्चित रूप से ये आपके लिए लाभकारी हैं, लेकिन इसके साथ जरूरी है कि आपका चरित्र, आपका नैतिक मूल्य अच्छा होना चाहिए। लक्ष्मी की कृपा के लिए आपका चरित्र और आपका नैतिक मूल्य आवश्यक है। जय माँ विंध्यवासिनी।